चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो इसका आंसर हो गया आपका प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि इनका पूरा नाम है। कोई मुझे ये बता सकता है कि ये इनका टाइम पीरियड क्या था जब ये भारत में राष्ट्रपति रही हैं? क्या टाइम पीरियड? 2010 से 14 तक होगा सर, 9 से लेके 14। 9 से लेके 14। 9 से 14 में तो इलेक्शन ही नहीं हुए सर। 2007 से लेके 2012, ठीक है, याद रखिएगा, 2007 से 2012 भारत की 12वीं राष्ट्रपति हैं ये, ठीक है, 12th नंबर की राष्ट्रपति हैं, याद रखेंगे। 2007 में आई हैं, 2012 तक 5 साल इन्होंने अपने कंप्लीट करे हैं। क्लियर, बढ़े आगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने कि एक यूनिवर्सिटी आपने सुनी होगी, बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो इस यूनिवर्सिटी की अभी अभी कुलपति बनी है, ठीक है, और ये जो कुलपति है ये पहली महिला है। हाँ जी सर, पहली 100 साल में पहली बार बनी है, 100 ईयर्स में जी। तो इसका आंसर आपको बताना है कि जामिया मिलिया जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी है उसकी पहली जो फीमेल वाइस चांसलर है उनका नाम क्या है? सर नजमा, नजमा अख्तर सर, मेरी यूनिवर्सिटी के साथ। जी बिल्कुल सही है, नजमा अख्तर, ठीक है, नाम क्या है इनका? तो इनका नाम है नजमा अख्तर। प्लीज अपने नोट साथ साथ बनाते हुए चलिएगा। अब एक चीज हमने ये सोची हुई है जी। मैं इसी यूनिवर्सिटी में सर। आप इसी यूनिवर्सिटी में हैं? हाँ जी सर। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, थोड़ी कंट्रोवर्शियल चीजें होती रहती हैं यहाँ पे, आप जानते ही हो, आप तो अगर पार्ट हो यूनिवर्सिटी का तो खैर जी सर, तो, सर कुछ होती है बट इंस्टीट्यूशन गंदा नहीं होता कोई सा भी। नहीं दोस्त, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, मैंने कहा कि कुछ कंट्रोवर्शियल एक्टिविटीज होती रहती है, आई सेड दिस ओनली। हाँ, मैंने तो किसी को अच्छा गंदा गाई नहीं दोस्त। चलिए देख लीजिए, नजमा अख्तर, ठीक है, तो ये जो मैम आपको दिख रही हैं, श्रीमती नजमा अख्तर जी जो हैं, ये पहली महिला कुलपति बनी है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं, याद रखिएगा इसको। चलिए 2018 में ही है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सोसाइटी है इंडिया की जिसे बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये क्वेश्चन करंट का है, ये पूछा गया क्वेश्चन है बेटा करंट का, ठीक है, इसलिए इंक्लूड करा हमने। तो क्वेश्चन आपका ये जा रहा है कि जो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल जो इसरो वगैरह जैसे आपने सुना होगा, स्पेस जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, उनकी मीटिंग होती है, तो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी बनी हुई है पूरी, ठीक है, जो कि क्या करती है, जो सेलेस्ट्रियल जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके ऊपर थोड़ा सा बात करना, ये सारा का सारा काम बेसिकली इन्हीं का होता है। तो बताइए एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष, पूछा गया क्वेश्चन है ये जी। चलिए कोई नहीं, देखो तो डॉक्टर जीसी अनुपमा, ठीक है, याद रखेंगे, डॉक्टर जीसी अनुपमा जो है ये बनी है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की पहली महिला अध्यक्ष, याद रहेगा, और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ एक चीज, थोड़ा सा शायद हार्ड डिसीजन होगा आपके लिए, ठीक है, एक हार्श मैं आपको बात बोलने जा रहा हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगे। बात यह है कि अभी तक आपको पीडीएफ वगैरह दिए जाते थे, है ना, आप लोग बहुत आराम से चीजें कर रहे थे, कोई दिक्कत भी नहीं थी, लेकिन लास्ट कुछ क्लासेस से हम नोटिस कर रहे हैं कि बच्चे नहीं आ रहे, ठीक है, तो ये बात आप जानते हो कि कुछ चीजों जो फ्री हैं उनकी वैल्यू नहीं होती है, ये आप लोग जानते हो, ठीक है, तो बस अभी कुछ टाइम के लिए हमने एक चीज ये डिसाइड करी है कि अभी फिलहाल के लिए आपको पीडीएफ नहीं दी जाएंगी। अब आपका काम ये होगा कि आप क्लास के दौरान, ठीक है, क्लास के दौरान आप ये जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही है आप इनको नोट करिए फिलहाल, ठीक है। आई एम सॉरी बट हो सकता है आपको लग रहा हो कि हम यू नो साउंडिंग लाइक वेरी रूड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बट करना पड़ेगा। जो करता उन्हें तो देना चाहिए ना। नहीं नहीं, बात पता है क्या है, जो करता है हम उनको दे दें, नो डाउट, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन होगा क्या कि ये जो शेयरिंग शेयरिंग चलती है ना, जो शेयरिंग शेयरिंग खेलते हो लोग, आप लोग खेलते हो, तो क्या होगा कि उनके पास ये पहुंच जाएगा जो क्लास में थे नहीं या जिन्होंने मेहनत नहीं करी, समझ रहे हो, तो बस थोड़े है टेंशन ना लो, कुछ दिन की बात है, जब अपने आप लोगों को रियलाइज हो जाएगा कि हाँ क्लास में आना है, टाइम से अटेंड करनी है, नो डाउट, मैं आपको प्रीवियस जितने हैं पीडीएफ सब दे दूंगा, आई विल प्रॉमिस, यू नो आई प्रॉमिस, डोंट वरी, ठीक है, तो प्लीज लिखना स्टार्ट कर दें, अगर किसी ने अभी तक नहीं लिखा, अभी सिर्फ 3 क्वेश्चंस हुए हैं, आप अपनी नोटबुक उठा सकते हैं, लिखना शुरू कर दीजिए प्लीज, मजबूरी है हमारी लेकिन हम करेंगे ऐसा, सॉरी। आगे देखिए, गणतंत्र दिवस हुआ, ठीक है, 2020 का, तो डेयर डेविल्स में जो कि एक पर्टिकुलर, एक आप कह सकते हो कि उस टाइम पे, एक मिनट,
हम अलाउ कर दें उन सभी को जी। तो जो रिपब्लिक डे हुआ था अभी 2020 का, तो वहां पर एक डेयर डेविल्स एक हिस्सा था, ठीक है। तो डेयर डेविल्स में अपने पुरुष साथियों के साथ एक बाइक पे स्टंट करा, और ये पहली बार किसी महिला ने बाइक पे स्टंट करा रिपब्लिक डे के अंदर। तो आपको बताना है कि उस महिला का नाम क्या था जिन्होंने अपने टीममेट्स के साथ, अपने मेल टीममेट्स के साथ रिपब्लिक डे में एक बाइक के ऊपर स्टंट करा है, ठीक है। तो आपको बताना है क्या आंसर होगा इसका। अभी आगे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब फीमेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कठिन क्वेश्चन हो सकता है, शायद आपको ना पता हो तो देख लीजिए। कैप्टन शिखा सुरभि, ठीक है, कैप्टन शिखा जो सुरभि है, ये आंसर होगा आपका। और इन्होंने क्या करा है, क्वेश्चन आप फिर से देख लो, इन्होंने ये करा है कि जो गणतंत्र दिवस हुई थी उसमें डेयर डेविल्स के हिस्से के रूप में इन्होंने पुरुष साथियों के साथ बाइक पे एक स्टंट करा था, तो उसमें ये हिस्सा बनी थी, ठीक है। और ये पहली महिला है जिन्होंने ऐसा कभी कुछ करा है, तो इसलिए ध्यान रखें, ठीक है। फिर से नाम क्या है देख लो, कैप्टन शिखा सुरभि। अब यहां से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इस बार जो हमारा रिपब्लिक डे था उसपे चीफ गेस्ट कौन थे, बताइए। सर जॉन बोल्सोनारो, प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील। क्या नाम है सर? जॉन बोल्सोनारो। जॉन नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील। जायर, जॉन नहीं, जायर बोल्सोनारो। जायर, जायर, सॉरी सर, जायर, ठीक है, जेड ए आई आर, जायर बोल्सोनारो। चलो मैं आपको ये लिख के भी दे देता हूँ, ठीक है, डोंट वरी, अगर आपको ये सब चीजें लिखनी है तो लिख लीजिए। नाम है सर जे आई आर, सर जे जे आई आर है सर, जे आई आर है, यस सर। चलो जे आई आर है भाई, जाहिर कर लो, जे आई आर। हाँ जी सर, जाहिर बोल सुना रो, बोल सुना रो, ठीक है। आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगी, बाकी तो आप कर लोगे ना, ठीक है, गूगल से देख के कर लेना। जाहिर बोल सुना रो, ये ब्राजील के राष्ट्रपति थे जो इस बार 2019 के रिपब्लिक डे पे हमारे चीफ गेस्ट थे इंडिया में। ये हमारे यहाँ परंपरा है कि हर बार चीफ गेस्ट कोई ना कोई जरूर आता है हमारे पास, ठीक है, रिपब्लिक डे में, तो इस बार आए थे ये। अच्छा 2019 के बताओ कौन थे, 2019 का जब रिपब्लिक डे लास्ट ईयर हुआ था, आशियन कंट्रीज के 10 आशियन कंट्रीज का आए थे। ताशकंद? नहीं सर, वो साउथ अफ्रीका का था, वो श्री राम रामफिल, सीरिल रामाफोसा, श्री रामाफोसा, जी हाँ, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे सीरिल रामाफोसा, ये आए थे, याद रखिएगा, सीरिल रामाफोसा जो कि साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, वो आए थे 2019 में, ठीक है। पूछ रहे थे यार क्वेश्चंस कई बार, तो थोड़ा सा ध्यान रखो, ओके। बाकी आपको नॉलेज दी जा रही है जो एक्स्ट्रा जी। सर एक क्वेश्चन और था, ये मतलब इस बार किसी वुमेन ने लीड किया था, मतलब फर्स्ट वुमेन जो थी उसने मैन को लीड किया था, मतलब वो एक क्वेश्चन और पूछा गया था इस बार, देख लीजिए आप नेट पे सर्च कर लीजिए। क्या बता, शेरगिल पतन कुछ मानशु, मानशु जी देख लीजिए ना क्या दिक्कत है, मानशु सर। हां जी, हां जी, मानशु जी मैं ये कह रहा हूं, आर्मी को लीड इसमें, इसमें हां ठीक है, ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट फीमेल कौन है जिन्होंने, जिनको आईसीसी मैच रेफरी बनाया गया है, ठीक है, जिन्होंने पहली बार, मतलब अब ये आपसे ये कह रहा है कि आईसीसी मैच रेफरी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बन गई है, ठीक है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नोट करते रहिएगा साथ साथ, मैं बार बार कह रहा हूँ, आई विल नॉट प्रोवाइड पीडीएफ अभी के लिए, हमको पता है, लेकिन जी आईसीसी की पहली महिला आपसे रेफरी पूछी जा रही है, और ये खुद भारतीय जो महिला आप कह सकते हैं क्रिकेट टीम है उसकी सदस्य भी रह चुकी है एक बार, ठीक है। तो आंसर देख लीजिए, जी एस लक्ष्मी सर, ठीक है, आंसर क्या होगा, जी एस लक्ष्मी, ये आईसीसी की तरफ से पहली महिला रेफरी बनी है, इसको ध्यान रखिएगा। हिमांशु जी अपना एक बार कैमरा ऑन करिए, जी एस लक्ष्मी बनी है आईसीसी की पहली महिला रेफरी, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर कि जो इंडियन शूटर कौन है, ठीक है, इंडियन शूटर की बात हो रही है, जिन्होंने गोल्ड जीता है यूथ ओलंपिक्स में, ठीक है, तो पहली महिला जिन्होंने यूथ ओलंपिक्स में कोई गोल्ड मेडल जीता है, आपसे पूछा जा रहा है कि उन महिला का नाम बताइए, ठीक है, यूथ ओलंपिक्स, और ये यूथ ओलंपिक्स कब हुए थे, जो अभी रिसेंट यूथ ओलंपिक्स हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उनमें आपसे कह रहा है कि पहली बार गोल्ड जो जीता गया है उसकी बात बता दीजिए, 2018 के ओलंपिक्स की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, और उन्होंने गोल्ड जीता है, क्या नाम है, चलिए देखिए नाम बता देता हूं आपको, मनु भाकर, ठीक है, तो मनु भाकर जी हैं, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि यूथ ओलंपिक्स में इन्होंने क्या जीता है, तो गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, पहली महिला जिन्होंने यूथ ओलंपिक्स में गोल्ड जीता इंडिया के लिए,
अच्छा ये यूथ ओलंपिक्स हुए कहाँ थे 2018 वाले, तो ये ध्यान रखेगा ये हुए थे अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में। आपको मेरी वॉइस क्लियर है? आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर है तो एक बार यस कर दो प्लीज। क्लियर है? ओके इतना टाइम थोड़ी लगता है। के साथ आ रही है जी, क्या कह रहे हो सर? डिस्टरबेंस के साथ आ रही है। डिस्टरबेंस के साथ इसलिए आ रही है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अपना माइक ना खोल रखा है, इसलिए वो डिस्टरबेंस होती है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ना अपना माइक खोल देते हैं वो। चलिए कोई नहीं, चलिए तो मधु भाकर आपका आंसर होगा, ये ध्यान रखेंगे ठीक है। 2018 में ब्यूनस आयर्स में जो यूथ ओलंपिक्स हुए थे उनमें इनको गोल्ड मेडल मिला है और उन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। IMF आप जानते हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि एक बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा मुझे बताओ IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC। जी हाँ, IMF का हेडक्वार्टर है Washington DC, अमेरिका के Washington DC में, ठीक है। चलिए तो आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि IMF की पहली जो प्रमुख अर्थशास्त्री पद पर कब्जा करने वाली पहली महिला कौन बनी है, ठीक है? तो ये आपको बताना, IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफिसर गोपीनाथ करके कुछ है सर, गीता गोपीनाथ। आंसर है आपका गीता गोपीनाथन, देख लीजिए ठीक है। गीता गोपीनाथन ये हैं जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसका हेडक्वार्टर USA के Washington DC यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में है, तो वहां से गीता गोपीनाथन, ठीक है याद रखिएगा ये। मुझे याद आता है 2018 से। क्वेश्चन दिखा दीजिए एक बार। जी मैम बिल्कुल देख लीजिए प्लीज, अगर कोई क्वेश्चन नहीं नोट कर पा रहा तो बता दीजिएगा, मैं आपको टाइम दे दूंगा, डोंट वरी। और इससे अच्छी चीज है ना, एक बार अगर आप लिख लोगे तो कहीं ना कहीं आपके जितने ज्यादा सेंसेस यूज होंगे आपको उतने टाइम के लिए याद रहेगा, ठीक है। बट आप देखो ना अभी भी जैसे आज भी क्लास चल रही है, सिर्फ 32 है, 32 में मैं और सुनील सर दोनों हैं, तो मतलब दो लोगों को हटा दीजिए, 30 बच्चे बस देख रहे हैं क्लास को। और एक टाइम था जब एक क्लास में 80-80 बच्चा होता था, याद है ना स्टार्टिंग में, तो 80 से एकदम 30 होने का मतलब आप समझ रहे हो। और मेरे ख्याल से जो लोग पढ़ने आते हैं तो अगर वो लिख भी लेंगे तो मेरे ख्याल कोई दिक्कत नहीं होगी उनको, है ना। लेकिन अब ये जरूरी है यार, PDF मिल जाता मेरे ख्याल से, इसलिए उनको लगता है क्लास अटेंड करके क्या करनी है ना, PDF में तो सब कुछ एकदम क्लियर लिखा ही होगा, पढ़ लेंगे PDF से, तो इससे थोड़ा सा यार सॉरी उसके लिए, बट समझिए अभी के लिए तो समझिए प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है गीता गोपीनाथन, ठीक है आगे बढ़ते हैं। इंडिया की पहली महिला, ये मत करिए प्लीज जिसने भी करा है, एनोटेट कर रहा हूं मैं जी। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सर। जी, तो आपका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी जी, ठीक है। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो हैं ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अच्छा इनका टेन्योर बता सकते हैं कब से कब तक रही है? इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री बनी है लेकिन कब से कब तक बनी है सर? दो दो हाँ, इन्होंने दो टेन्योर पूरे करे हैं, दो की तीन सर, 1960 इन्होंने तीन टेन्योर कंप्लीट करे अपने, याद रखिएगा तीन दो सर। देखिए 1966 से लेके 1977 तक 10 साल तक ये रही, ठीक है 10 साल तक तो यहाँ पे रही, तो दो टेन्योर तो उनको यहाँ मिल जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपको याद हो तो जब 1980s में फिर से आई एक बार, मेरी वॉइस क्लियर है सभी को अब? से यस सर, अभी आ रही ना अच्छे से, आई गेस पिक्चर शो नहीं हो रही सर। होगी होगी, एक मिनट बस, वो ना एकदम से कैंसिल हो गया था, सेशन कैंसिल हो गया था जी। अब दिख रहा है? अभी दिख रहा है? अभी भी नहीं, नहीं सर, नो पर लिखा हुआ आ रहा है लाइव वेबिनार हैव स्टार्टेड स्क्रीन शेयर। अभी प्रोसेसिंग हो रही है क्या? अभी आया नहीं आया, नो सर। आप लोग मीटिंग लीव नहीं करेंगे, मैं मीटिंग लीव कर रहा हूँ, ठीक है।
अच्छा मेरी आवाज क्लियर है आप सभी को? हाँ जी सर। यस सर। ओके आप स्क्रीन दिख रही है? यस सर। विजिबल? यस सर। प्रोसीड करें? यस सर। ओके चलिए जल्दी करते हैं आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात चल रही थी, तो आप जानते हैं इंदिरा गांधी जी हैं। एक बात ये समझ लीजिए कि इंदिरा गांधी जी ने जो टेन्योर कंप्लीट करे हैं अपने, वो किस सेंस में करे हैं उसको देख लो, 1966 से लेके 1977 तक, ठीक है, 10 साल तक यहाँ पर ये आपकी प्रधानमंत्री बनी हुई है। और इसके बाद 1980s में जब ये दोबारा आती है, ठीक है, जब सत्ता पलट होता है पूरा का पूरा, तो 1980s से फिर 1984 तक, जब तक इनकी डेथ नहीं हो जाती, अगर आपको याद हो तो 31 अक्टूबर 1984 को, ठीक है, इनका असैसिनेशन हुआ था, ठीक है, 1984 में। सतवंत सिंह और बेअंत सिंह अगर आपको नाम याद हो दो, तो इनके बॉडीगार्ड्स थे जिन्होंने इनको मार दिया था, ठीक है, इनका इनकी किलिंग करी थी, इनका असैसिनेशन करा था। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई है और 1980 से लेके 1984 तक इनका ये एक और टेन्योर आता है। तो 1966 से लेके 77 तक 10 साल और उसके बाद फिर 4 साल और आपको दिखते हैं यहाँ पर। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, इंदिरा गांधी जी के बारे में। आगे बढ़े। यस सर। चलिए अगला। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी इंडियन पुलिस सर्विस सर किरण बेदी। किरण बेदी। किरण बेदी। जी हाँ, एक टाइम पे बहुत मतलब काफी फेमस क्वेश्चन था ये, ठीक है, बट अब नहीं पूछा रहा था। तो किरण बेदी जी हैं सर, पुडुचेरी के भी करंट गवर्नर भी हैं। जी हाँ, और ये गवर्नर बनी हुई है इस समय पुडुचेरी की, याद रखिएगा गवर्नर है पुडुचेरी, ठीक है, पहले कहते थे पौंडीचेरी, ठीक है, बट आज नाम क्या है, आज नाम है पुडुचेरी, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सन 2006 में एक बिल लाई भारत सरकार और भारत सरकार ने इस बिल के थ्रू 2006 में पौंडीचेरी का नाम बदल के पुडुचेरी कर दिया था, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और पुडुचेरी की आज गवर्नर हैं किरण बेदी जी। क्लियर है? तो ये पहली भारत की महिला आईपीएस भी हैं, आईपीएस अधिकारी, ठीक है। आगे बढ़े। यस करते रहो यार। यस सर। उसके बाद ना क्लास 10th की भी क्लास है इलेक्ट्रिसिटी साइंस, तो आपके बाद जस्ट आज। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला बताइए। इंदिरा गांधी। इंडियन वुमन बेस्टोड विथ भारत रत्न। इंदिरा गांधी। नहीं भैया, मदर टेरेसा। जी हाँ, मदर टेरेसा, ठीक है, तो याद रखिएगा मदर टेरेसा पहली भारतीय महिला है जिनको, सॉरी मदर टेरेसा कह रहे हैं, इंदिरा गांधी। मदर टेरेसा कौन थी यार फिर? मदर टेरेसा तो अच्छा नोबल थी वो, सॉरी सर, नोबल मिला था ना उसे, मदर टेरेसा को पहला नोबल मिला था। इंदिरा गांधी जी हैं, बिल्कुल ठीक है, याद रखिएगा इंदिरा गांधी जी हैं जिनको पहली पहला क्या मिला, भारत रत्न मिला, ठीक है। हम नोबल की अगर बात करेंगे तो नोबल किसको मिला सबसे पहला? मदर सर सबसे मदर टेरेसा। मदर टेरेसा अगर हम बात करें अपने इंडिया में, क्योंकि हालांकि चलो अभी मदर टेरेसा वाला क्वेश्चन आएगा तब डिस्कस करते हैं, डोंट वरी। तो याद रहेगा इंदिरा गांधी जी को। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, WTA होता है, एक प्रतियोगिता होती है, ठीक है, और WTA प्रतियोगिता को जीतने वाली पहली भारतीय महिला आपसे पूछ रही है, ठीक है, सानिया मिर्जा। जी हाँ, टेनिस का टूर्नामेंट होता है, WTA बोलते हैं इसको, ठीक है, तो वर्ल्ड टेनिस जो टूर्नामेंट होता है उसकी बात हो रही है। तो सानिया मिर्जा है पहली भारतीय महिला जिन्होंने WTA का टाइटल जीता था, याद रखिएगा WTA टाइटल, ठीक है, सानिया मिर्जा। ओके याद रहेगा, क्वेश्चन नोट कर रहे हो ना साथ साथ में? सर सर हाँ जरूरी है, अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन हो तो बता देना। एक बार एक काम करेंगे, क्लास को एंड करने से पहले ना एक बार पूरा रिवीजन कर लेंगे, ठीक है, पूरा रिवीजन का मतलब वही जो 25 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी फटाफट, ताकि अगर आपको छुट्टा भी है तो भी आप देख लोगे। ओके जी कर लेंगे, डोंट वरी, बाकी हो सकता है बच्चा कई सारे लेट ज्वाइन हुए इसलिए भी। चलिए अगला करते हैं। यंगेस्ट गर्ल इन इंडिया टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट को चढ़ने वाली पहली यंगेस्ट यानी कि जो सबसे कम उम्र की लड़की है वो पूछा जा रहा है। जी बताइए क्या नाम उनका? सर ये बचेंद्री पाल और ये तो नहीं है, संतोष यादव कोई और ही है, उसका नाम नहीं, वो तो बचेंद्री पाल तो बहुत पहले 1984 में चढ़ी थी सर। मीरा बाई कुछ कर गया? नहीं मीरा बाई तो नहीं, मीरा बाई नहीं होगा, कुछ और नाम होगा सर, नेपाली जैसा नाम होगा कुछ नेपाली जैसा नाम होगा, अगर हम आपको बताएं तो ये तेलंगाना की है। अच्छा
ठीक है, ये तेलंगाना से हैं जिन्होंने ये माउंट एवरेस्ट फतेह करी है, ठीक है। मात्र 13 साल की हैं, देख लीजिए, ठीक है, 13 साल की हैं। मालवत पूर्णा नाम है इनका, पूर्णा मालवत पूर्णा। इस पे मूवी भी बन रखी है शायद से एक। जी 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 एग्जैक्टली। तो मालवत पूर्णा जी के नाम पे याद रखिएगा। तो मालवत पूर्णा जो है ये 13 साल की लड़की है और इन्होंने 25 मई 2014 को, ठीक है, सिर्फ 13 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पे फतेह कर ली, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस जो है ना स्टैटिक में बनते हैं, क्योंकि एक बार इन्होंने कर लिया तो अब ये स्टैटिक बन गई चीज, और ये पता नहीं कब किस क्वेश्चन में कौन से एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। तो इसलिए ये जरूरी है कुछ टॉपिक्स जो आपको कराए जा रहे हैं। रीजनिंग की बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी, वो आपको यूट्यूब पे मिलेगा, ठीक है। अभी आपका रैंकिंग हम कंप्लीट करा देंगे, रैंकिंग के जस्ट बाद हम अपलोड करेंगे ब्लड रिलेशन, ठीक है। ब्लड रिलेशन क्योंकि टाइस में अभी तक नहीं हुआ था ये टॉपिक किसी भी बैच में, तो ब्लड रिलेशन और रैंकिंग आपको मिलेगी, ठीक है। और याद रखिएगा आपको यूट्यूब की फॉर्म में बैकअप दिया जा रहा है, ठीक है। और ये मत कहिएगा कि उस टाइम पे आके जब इंस्टीट्यूट खुलेगा कि नहीं सर आपने तो रैंकिंग पढ़ाई नहीं, तो ये काम मत करिएगा प्लीज, ठीक है। सर ब्लड रिलेशन भी कराया था आपने टाइस में थोड़ा सा। बोलिए जी, किस बैच में कराया था आपके में? यस सर, हमारे में करवाया था आपने। सर स्टार्ट हुआ था बट वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। अच्छा, तो मैम बस यही कहेंगे कि ब्लड रिलेशन में और रैंकिंग में बहुत, अब जैसे रैंकिंग है, रैंकिंग में 12 टाइप्स हैं, अभी तक सिर्फ यूट्यूब पे 3 टाइप अपलोड हुए थे, ठीक है। थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम चल रही थी, अब एक लेक्चर जो है ना वो लगभग 2.14 GB का है। अब इतना एक बार में यार नहीं अपलोड हो सकता, बिकॉज मेरे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी यहाँ पे, तो वाईफाई लगवा रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसीलिए 1-2 दिन का टाइम मांगा आपसे, ठीक है। और परसों मुझे दिल्ली भी आना है किसी काम से, तो दिल्ली आऊंगा, उसके बाद फिर वापस कानपुर आऊंगा, तब उसके बाद चीजें स्टार्ट होंगी आपकी, ठीक है। चलिए वापस आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, फर्स्ट इंडियन वुमन टू गेट जननपीठ अवार्ड। अच्छा, जननपीठ अवार्ड को ज्ञानपीठ अवार्ड भी बोल देते हैं कई बार, पता है आपको? लिटरेचर में दिया जाता है। जी हाँ, लिटरेचर में दिया जाता है ज्ञानपीठ अवार्ड, तो काफी फेमस है ये ज्ञानपीठ अवार्ड। तो आपसे कह रहे हैं कि पहली महिला जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था वो कौन थी? कमलेश्वरी करके कुछ नाम है, देवी कमलेश्वरी देवी। आशा पूर्णा देवी, ठीक है, नाम क्या है इनका? आशा पूर्णा देवी जी, ठीक है। तो याद रखिएगा श्रीमती आशा पूर्णा देवी, इनको ज्ञान पीठ अवार्ड जो है ये सबसे पहली महिला थी जिनको ये मिला था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया एग्जाम्स में, ठीक है। और वैसे भी पहली और आखिरी तो कई सारे होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, खैर आखिरी तो बन नहीं सकता। आखिरी का मतलब जैसे मान लीजिए उस साल में अगर कोई मिला है तो उसकी बात हो रही है, ठीक है। जैसे 2020 चल रहा है, 2020 में अगर किसी को मिला है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे एक नाम बीच में चला था कृष्णा सोबती, सर कृष्णा सोबती चला था। जी हाँ, कृष्णा सोबती, डेथ भी हो गई अभी, मतलब कुछ पहले ही डेथ हुई। जी चलिए आगे चलते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम मिस यूनिवर्स, पहली भारतीय महिला जो मिस यूनिवर्स बनी है। सुष्मिता सेन। पक्का? राजस्थान। पक्का सर? पक्का। कौन से ईयर में? सर 1998 के करीब बनी थी, थोड़ा सा 94 में या 99 के करीब। सुष्मिता सेन जी, ठीक है, ये उस टाइम की इनकी पिक्चर है, अगर आप देख लें इमेज है जब इनको मिस यूनिवर्स का खिताब पहनाया जा रहा है, ठीक है। 1994 में सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी थी, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यार। चलिए आगे, सब नोट करते चल रहे हो ना? ओके, एक बार हम रिपीट करेंगे, डोंट वरी। चलिए जी जी, रिपीट होगा, ठीक है, लास्ट में रिपीट होगा। चलिए, 1956 में इंडियन एयरलाइंस में पहली पायलट, जो पहली महिला पायलट की बात हो रही है, और पहली भारतीय महिला वाणिज्यिक कौन बनी, ठीक है, पहली वुमेन कॉमर्शियल पायलट जो है उनकी बात हो रही है कि कौन बनी है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए शायद कठिन हो सकते हैं, बट सीधा इनका आंसर देख लीजिए और याद कर लीजिएगा इनको, ठीक है। इनका नाम है दुर्गा बनर्जी, ठीक है, याद रखिएगा, दुर्गा बनर्जी है जो की बनी है। एक बार क्वेश्चन फिर देखिए। सर दुर्गा होगा, सर दुर्गा बनर्जी होगा। दुर्गा, दुर्गा फर्स्ट पायलट टू इंडियन एयरलाइंस इन 1956, ठीक है। 1956 में जो इंडियन एयरलाइंस थी उनकी पहली महिला कॉमर्शियल पायलट की बात हो रही है, तो वो बनी है दुर्गा बनर्जी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आंसर देख लीजिए, दुर्गा बनर्जी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। कॉमर्शियल पायलट मतलब? कॉमर्शियल पायलट का मतलब होता है जो लाइसेंस लेके उड़ाते हैं।
मतलब अगर आप प्लेन उड़ाना चाहती हैं तो आपके पास उसका एक डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस आपके पास 3 सर्टिफिकेट होने जरूरी हैं एस्ट्रोनॉमिकल के, ठीक है, और उसके बाद आप कमर्शियल पायलट बन जाएंगे। मतलब अगर मैं बोलूं, क्या नाम है आपका? वैशाली जी, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे, मैं कानपुर में बैठा हूं, मुझे दिल्ली जाना है, ठीक है, प्लीज आपके पास प्लेन है, आप मुझे दिल्ली छोड़ दीजिए, ठीक है, तो आप कमर्शियल पायलट अगर हैं तो आप मुझे छोड़ सकती है, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, आप मुझे छोड़ देंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फ्लाई एयरक्राफ्ट, ठीक है, पहली भारतीय महिला जिन्होंने कभी कोई एयरक्राफ्ट उड़ाया होगा, ठीक है, कारगिल गन, उसका नाम कारगिल गन, विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला थी, और ये विमान उस समय अगर आप देखो तो काफी अजीब होते थे, है ना, देख लीजिए, नाम इनका सरला ठकराल, ठीक है, तो सरला ठकराल जी जो है ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने कभी कोई एयरक्राफ्ट उड़ाया था, ठीक है, नीचे इनके साइन भी आपको मिल जाएंगे सरला ठकराल जी के। तो ये एयरक्राफ्ट देख पा रहे हैं, अजीब सा, ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। तो सरला ठकराल आपका आंसर होगा, राइट, इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट। अगला कह रहा है आपसे कि फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन गोल्ड इन एशियन गेम्स, एशियन गेम्स में पदक जीतने वाली, गोल्ड पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, कमलजीत संधू, ठीक है, तो आंसर होगा आपका कमलजीत सिंह संधू, ठीक है। तो 1970 में जो एशियन गेम्स हुए थे, ठीक है, याद रखिएगा, और ये बैंकॉक में हुए थे, ठीक है, और उसमें 400 जो मीटर की रेस थी उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, याद रहेगा, एक बार क्वेश्चन फिर देख लीजिए। एशियाई गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला, ठीक है, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर गेम की बात नहीं हो रही है, अगर पहली महिला है वो किसी भी गेम में जीते उससे मैटर नहीं करता कि वो कौन सी गेम में जीत रही है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली, गोल्ड पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला है उनका नाम था कमलजीत सिंह संधू, ठीक है, और इन्होंने 1970 में बैंकॉक में जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें 400 मीटर की रेस में पदक जीता था। अच्छा, ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ ना, जो ऊपर नहीं भी कहीं लिखी हुई थी, जैसे अभी हमने बात करी थी कि 2020 में जो रिपब्लिक डे के जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे, जायर बोल्सोनारो ब्राजील के राष्ट्रपति, 19 में कौन थे, सिरिल रामाफोसा जो कि साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे इंदिरा गांधी का जो टाइम पीरियड था 1966 से 1977, बॉडीगार्ड्स जो भी सतवंत सिंह बेअंत सिंह जो उनके नाम थे 31 अक्टूबर 1984 तक। तो ये सारी की सारी बातें मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, लेकिन पीडीएफ कब मिलेगी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है ये, एनडीए के एग्जाम में, ठीक है। प्रथम भारतीय जिसने जो बुकर प्राइज मिलता है ना वो जीता, बताइए, फीमेल की बात हो रही है, पहली भारतीय महिला जिसने बुकर प्राइज जीता, मान बुकर प्राइज का नाम आपने सुना होगा, सर अरुंधति रॉय, रॉय नहीं है, अरुंधति रॉय है सर, क्या जा रहा तो नहीं है, रॉय है जी, हाँ अंधी रॉय है, ठीक है, क्या नाम होगा, बाकी लोग भी एक बार सोच लो, अच्छा सुन तो लिया ही होगा बाकियों ने, चलिए देखते हैं, अरुंधति रॉय, ठीक है, याद रखिएगा, द गुड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था, फॉर गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये अच्छा, ये वाली जो इनकी नॉवल जो है ना, इनका ये नॉवल, ये बहुत बार पूछा गया है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, किसने लिखा है, तो याद रखिएगा ये अरुंधति रॉय ने लिखा है 1997 में, और ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल राइटर है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल, जैसे आपने एक नाम सुना होगा मेल में एक राइटर है उनका नाम है सलमान रुश्दी, हाँ जी सर, ठीक है, ये भी बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल लिखते हैं, ठीक है, और अरुंधति रॉय ये भी कॉन्ट्रोवर्शियल काफी लिखती है इंडिया में, ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बहुत ज्यादा इनकी कॉन्ट्रोवर्शियल ये नॉवल है, और इसी के लिए इनको बुकर प्राइज भी मिला है, ठीक है, चलिए आगे बात, कम्युनिस्ट विचारधारक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जितने भी कम्युनिज्म वाले होते हैं ना इनका थोड़ा सा मैच नहीं करता है, ऐसा होता है, देखा मैंने, चलिए अर्बन नक्सल कह सकते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो टू स्पेस, कल्पना चावला, पक्का, यस सर, कल्पना जी, कल्पना चावला जी हैं, यस सर, 2002 आई थिंक, ठीक है, तो पहली जो भारतीय महिला, हालांकि भारतीय मूल की थी, फिर ये टेक्सास में चली गई थी, आपको पता है टेक्सास से ये, और इनकी डेथ भी टेक्सास में ही हुई थी, जब ये इनका स्पेस शटल जो कोलंबिया था, जब ये नीचे आता वापस, तो कुछ सेकंड पहले अगर आपको याद हो तो, है ना, तब ये चीज हुई थी, खैर कोई नहीं, तो कल्पना चावला ध्यान रखेंगे, ठीक है, आगे बढ़े, 2003 में हुआ था ये, अगर आपको एक्सीडेंट याद हो तो, 2003 का एक्सीडेंट है ये, फरवरी 2003 का,
मुझे डेट नहीं याद है, बट फरवरी 2003 में कोलंबिया स्पेस शटल जब नीचे आने वाला था तो लास्ट टाइम पे लैंडिंग के दौरान ही डेथ हुई थी. चलिए, क्रैश हुआ था ये. आगे, फर्स्ट विनर ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड, यानी कि दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है उसको पाने वाली पहली भारतीय महिला. सर, देविका रानी, देवी रानी, देविका रानी, देविका रानी चौधरानी पूरा नाम था, देविका रानी. अच्छा, ठीक है. तो 1969 में देविका रानी जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा. ठीक है, पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार. लिख लीजिएगा क्वेश्चन में, अगेन रिपीटिंग, ठीक है, कि आप इस क्वेश्चन को प्लीज लिखते हुए चलें. पीडीएफ नहीं मिलेंगे आपको, पहले मना कर दिया मैंने, अभी के लिए नहीं है. चलिए, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो मिला है वो मिला है देविका रानी जी को, 1969 में मिला था. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट इंडियन वुमन टू बिकम मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सर, रीता फारिया. रीता फारिया जी, लिख लीजिए क्वेश्चन भी साथ साथ लिखते हुए, थोड़ा टाइम लगेगा. मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला हैं कुमारी रीता फारिया. ठीक है, याद रखिएगा, रीता फारिया जी हैं, तो इनको मिस वर्ल्ड. और मिस यूनिवर्स कौन थी? सुष्मिता सेन. कब मिला था? 1990. सुष्मिता सेन को कब मिला था? 1994. आपको कराया मैंने. चलिए अगला देखिए, फर्स्ट फीमेल जवान इन इंडियन आर्मी, जो भारतीय सेना है, इंडियन आर्मी है, उसकी पहली महिला जवान कौन है? मेरी आवाज तो क्लियर है ना? यस सर. ओके ओके, यार आवाज का बड़ा रोना है आज. चलो नाम देख लो. नाम है इनका शांति टिग्गा. ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, जो आपको याद होगा कि भारत की 12वीं महिला राष्ट्रपति हैं. ठीक है, मतलब महिला क्या, 12वीं राष्ट्रपति थी. 2007 से लेके 2012 तक इनका टाइम पीरियड रहा, तो ये इनको एक जो कहते हैं अवार्ड वगैरह कुछ दे रही हैं. ठीक है, तो याद रहिएगा, मतलब याद रखिएगा शांति दिग्गा. ठीक है, इंडियन आर्मी में आने वाली पहली महिला जवान. अच्छा, जिस तरह से हम लोग ये महिलाओं के लिए देख रहे हैं ना, फीमेल्स के लिए, ऐसे ही आगे आकर हम मेल्स के लिए भी देखेंगे. ठीक है, तो दोनों ही कंप्लीट करेंगे. चलिए अगला करते हैं, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बिशेंद्री पाल. फर्स्ट इंडियन माउंटेनियर, बताइए. बिशेंद्री पाल. बिशेंद्री पाल, ठीक है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है. जी हां, बहुत बचपन से पढ़ते आए हम लोग, है ना इसको. और बिशेंद्री पाल कब करा था इन्होंने, बिशेंद्री पाल ने, याद रखिएगा, 1984 में. ठीक है, तो बिशेंद्री पाल ने 1984 में माउंट एवरेस्ट को फतेह करा था, ये ध्यान रखेंगे. और बेसिकली ये कहाँ से है, तो ये उत्तराखंड से है. ठीक है, याद रखिएगा, ये यूके से है, यूके मतलब उत्तराखंड. ठीक है, उत्तराखंड से ही आती है. ठीक है, अच्छा, उत्तराखंड की अभी अभी एक रिसेंटली कैपिटल बनी थी, नाम है, याद याद आपको क्या? हाँ सर, याद हो, रामनगर के पास है वो, कोई सा ऐसा कहा जाता है. माउंट एवरेस्ट को फतह करने के ना टोटल 14 रास्ते हैं. अगर आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहते हैं तो 14 रूट हैं आज की डेट में. अगर इन 14 में से किसी एक रूट से आप जाते हो तो ठीक है, अलाउ कर देते हैं वो. चलिए आगे बढ़ते हैं. बिशेंद्री पाल उत्तराखंड से 1984 में इन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट फतेह करी. आगे देखिए एक और क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला, लेकिन इन्होंने दो बार चढ़ा है, संतोष यादव. हाँ, ट्वाइस की बात हो रही है, ट्वाइस, दो बार चढ़ी. संतोष यादव, देख लीजिए, संतोष यादव जी. ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, संतोष यादव जी 1993 की अगर बात करें, 1993 में इन्होंने ये काम करा था. ठीक है, 1993 में इन्होंने दो बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करा है. ठीक है, संतोष यादव जी, लिखते चलिएगा प्लीज. आगे, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट नोबेल प्राइज, पहली भारतीय महिला जिनको नोबेल प्राइज मिला था. मदर टेरेसा. जी हाँ, मदर टेरेसा. टेरेसा जी हाँ, और मदर टेरेसा आपका आंसर हो जाएगा. कब मिला था? अच्छा, याद रखिए, एक देश है, उसका नाम है मैसिडोनिया. मे भी हो सकता है कि मेरी स्पेलिंग गलत होगी, बट आप नाम सुनिए, मैसिडोनिया. ठीक है, तो मैसिडोनिया, ये बॉर्न इनका, ब्रॉटअप ये वहीं की है, बॉर्न भी इनका वहीं पे था. ठीक है, मैसिडोनिया, और फिर ये इंडिया आ जाती हैं, फिर इंडिया की हो जाती हैं, और बहुत ज्यादा इन्होंने सेवा करी है भारत में. 1974, याद रखिएगा, 1974 का जो नोबेल प्राइज दिया गया था नॉर्वे से. ठीक है, नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो. ओस्लो, नॉर्वे की जो कैपिटल है ओस्लो, वहां से दिया जाता है शांति का नोबेल प्राइज. ठीक है, तो याद रखिएगा, नॉर्वे के किंग देते हैं इसको.
ठीक है, और 1974 का जो नोबेल प्राइज था 1974 का वो दिया गया था मदर टेरेसा जी को, याद रहेगा। ये जो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसको प्लीज लिखते चलिए, पीडीएफ में होगी ये वैसे। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल, सर गुप्ता है कुछ, निशा गुप्ता है कुछ। नहीं दोस्त, सर मैन में तो मेह सेन है और इसमें शायद आरती साहा, सर आरती गुप्ता और साहा दोनों है, साहा ब्रैकेट में गुप्ता भी लिखा था, तो आरती शाह ध्यान रखिएगा, वैसे ये नाम आपको मिलेगा आरती शाह, ठीक है। तो आरती शाह जो है इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था, याद रखिएगा, तो ये बहुत पहले कर लिया था उन्होंने, 1959 की बात कर रहे हैं हम लोग, 1959 की, तो 1959 में ही इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार करा था, ठीक है। तो इंग्लिश चैनल समझते हैं क्या होता है, व्हाट इज इंग्लिश चैनल, सात समुंदर होते हैं सर जी, शू कहते हैं शायद, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, देखिए समझ लीजिए इस बात को, इंग्लिश चैनल क्या होता है, जैसे इंग्लैंड है ये, ठीक है, मान लीजिए ये इंग्लैंड है और इंग्लैंड के बगल में आपको मिलेगा फ्रांस, ठीक है, तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में एक वाटर बॉडी है, एक वाटर बॉडी की शेयरिंग होती है जिसे कहा जाता है इंग्लिश चैनल, ठीक है। इंग्लिश चैनल जो है ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में एक बॉडी शेयरिंग होती है, उसको इंग्लिश चैनल बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश का मतलब आप समझ जाएंगे कि ब्रिटेन तो आने ही वाला है ऑफकोर्स, तो इसलिए ये है। और यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रेट ऑफ डोवर कहाँ पे स्थित है, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ डोवर, DOVER, स्ट्रेट ऑफ डोवर, तो याद रखिएगा स्ट्रेट ऑफ डोवर कहाँ पे मिलेगा आपको, इंग्लिश चैनल के बीच में, तो ये एक इंग्लिश चैनल, एक वाटर बॉडी है, इसको पार करते हैं, ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा, और कुछ नहीं है, इंग्लिश चैनल बस यही है। चलिए, फर्स्ट इंडियन वुमेन एम्बेसडर एट UN, यूनाइटेड नेशंस जो है जनरल असेंबली, विजय लक्ष्मी पंडित जी, हाँ, तो उसकी पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति की बात हो रही है, जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी है। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू जी की सिस्टर है विजय लक्ष्मी पंडित जी, याद रखिएगा, ठीक है। और ये बनी है पहली भारतीय महिला राजदूत कहाँ पर, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, ठीक है। यूएनओ के अच्छा कितने ऑर्गन्स होते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के कितने ऑर्गन्स होते हैं, सर सेवन, सेवन की छह, जी देखिए मैम, संयुक्त राष्ट्र में पहली भारतीय महिला राजदूत, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन एम्बेसडर एट यूनाइटेड नेशंस, हम जनरल असेंबली की बात कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, टोटल छह ऑर्गन्स होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, छह ऑर्गन्स होते हैं, आप नेट पे देख भी सकते हो, जैसे आप जानते हो कि जनरल असेंबली हो गई, ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, है ना, इस तरह से टोटल छह होते हैं, और इसमें से जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ठीक है, इसको बहुत जल्दी यूएनओ खत्म कर देगा, बिकॉज जिस एम के लिए बनाई गई थी वो अभी जो एम है अपना वो अचीव कर चुकी है, तो फिर आगे चल के यूनाइटेड नेशंस के पांच ही ऑर्गन रह जाएंगे, ठीक है, अभी तो फिर भी छह हैं, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा विजय लक्ष्मी पंडित जी याद रहेगा आपको, बताइए, अच्छा ये कब बनी थी अगर आपसे पूछा रहा है, तो 1953 में बनी थी, ये भी ध्यान रख लीजिए, 1953 में विजय लक्ष्मी पंडित जी यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र महा जो सभा है, ठीक है, उसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। पढ़े आगे, सही, यस, शुड आई प्रोसीड फर्दर, यस सर, फर्स्ट वुमेन टू गेट अशोक चक्र, आपको बताना है कि अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला, निर्जा बहनोत, निर्जा बहनोत या कहनोत, जी हाँ, निर्जा भनोत, ठीक है, आपने एक मूवी भी सुनी होगी, निर्जा एक मूवी आई थी, ठीक है, निर्जा एक मूवी भी आई थी अगर आपको याद हो तो, और ये मूवी इसलिए भी इम्पोर्टेंट थी बिकॉज एक लाइव स्टोरी है ये, कराची से एक प्लेन उड़ा, ठीक है, कराची पाकिस्तान से एक प्लेन उड़ा था, ठीक है, और कराची की जो ये फ्लाइट थी, ठीक, जिसका जो बेसिकली नाम था वो था फ्लाइट 73, मॉर्निंग की फ्लाइट थी ये, सुबह सुबह की, तो फ्लाइट 73, तो ये हाईजैक कर ली गई थी टेररिस्ट्स के द्वारा, तो उसके बाद तो अगर आपने मूवी देखी है तो आप जानते होंगे, तो नीरजा भनोत, सोनम कपूर ने ये किरदार निभाया था अगर आपको याद हो तो, मूवी में सोनम कपूर ने, ठीक है, तो ये फ्लाइट थी जो कराची जा रही थी, ठीक है, और फ्लाइट का नाम क्या था, 73, ठीक है, फ्लाइट AM 73, जिसको हाईजैक कर लिया गया था और इनकी, इनको मार दिया गया था, इनकी किलिंग या असैसिनेशन किया गया था, और इसके बाद इनको अशोक चक्र दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, नीरजा भनोत याद रखिएगा, अटेंडेड थी ये फ्लाइट में। आगे देखिए, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी थी, क्या नाम, सर फातिमा बीबी जी,
सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, अगर आपसे पहली महिला जज पूछे या फिर पहली मुस्लिम महिला पूछे, मुस्लिम ठीक है, फर्स्ट मोहम्मदन फीमेल की अगर बात करी जाए या मुस्लिम फीमेल की बात करी जाए तो वो भी यही है, याद रखिएगा। तो नाम है इनका फातिमा बीवी, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है। और अगर आपको और ज्यादा अगर इनकी डिटेल चाहिए तो 1989 में बनी थी, याद रखिएगा 1979 में, ठीक है, 1989 में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला ये जज बनती है, ठीक है, फातिमा बीवी, ओके, जस्टिस फातिमा बीवी, ये लिख लीजिएगा 1989 भी याद से। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति कौन बनी, ये सरोजनी नायडू, सरोजनी नहीं है, इसको राष्ट्रपति मत कहिए, इसको अध्यक्ष समझ गए, ये राष्ट्रपति सरोजनी नायडू अध्यक्ष है ये, ठीक है, राष्ट्रपति नहीं होता, अध्यक्ष होते थे, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन लिख लें बाकी सभी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसकी स्थापना कब हुई थी सर, 1885 1825 में एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे या ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था ऑर्निथोलॉजिस्ट, ठीक है, इनका नाम था एलन ऑक्टेवियम ह्यूम्स, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम्स, जो कि जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी थी, ठीक है, और बट ये कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे, इसको ध्यान रखिएगा, एओ ह्यूम्स कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, और ये पक्षी विशेषज्ञ थे, ये ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू, ठीक है, याद रखिए सरोजनी नायडू जो थी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, याद रखिएगा पहली भारतीय महिला, नॉट पहली महिला, बिकॉज पहली महिला जो होंगी फिर वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है, अभी हम भारतीय महिला की बात कर रहे हैं, जी हाँ, और अगर आपको याद हो तो ये सौभाग्य हमारे शहर को ही प्राप्त है, ठीक है, 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो जो प्रेजिडेंटशिप हुई थी वो कानपुर में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा, तो कानपुर में 1925 का जो अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो सरोजनी नायडू ने, ठीक है, एक तरह से हेड किया था। बढ़े आगे, 1925 INC कांग्रेस अधिवेशन का, कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन। अगला देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात कर रहा है इस बार, ठीक है, पहली महिला, जी, तो नाम क्या हो जाएगा इनका, इनका नाम हो जाएगा एनी बेसेंट, ठीक है, तो याद रखिएगा एनी बेसेंट है, और अगर आपको याद हो तो 1986 का अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, 1986 में, ठीक है, 5 सितंबर को डेथ होती है, ये भी ध्यान रखिएगा 1986 में। और अच्छा, इनका इन्होंने कौन से सेशन को हेड करा था, ये याद है आप लोगों को सर, इन्होंने शायद 16 या कुछ होगा, 16 वगैरह 1917 का जो अधिवेशन था, जी हाँ, कांग्रेस का 1917 का जो अधिवेशन था उसको इन्होंने हेड किया था, ठीक है, याद रखिएगा 1925 वाला जो था वो कौन सा था, सरोजनी नायडू, और 1917 वाला जो हेड करा वो इन्होंने करा। अच्छा, आपको याद होगा तो कांग्रेस का एक ऐसा अधिवेशन जिसमें बाइफर्केशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, याद है, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बट गई, 1907 सूरत सेशन, हमारी आवाज नहीं आ रही, कुछ लोग तो कहते हैं हमारी आवाज बहुत अच्छी है, आपको आ नहीं रही सर, 1907 का सूरत सेशन है ना, याद रखिएगा 1907 का जो सूरत सेशन हुआ था तब कांग्रेस का विभाजन हो गया था और ये एक्सट्रीमिस्ट्स में और जो मॉडरेटर्स थे उनमें डिवाइड हो गई थी, यानी कि गरम दल और नरम दल, ठीक है, और फिर फाइनली 1916 में एक अधिवेशन होता है लखनऊ सेशन, ठीक है, लखनऊ में सेशन होता है 1916 में, और फिर दोबारा से ये गरम दल, ठीक है, नरम दल, मुस्लिम लीग, ये सब एक साथ आ जाते हैं 1916 के लखनऊ सेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट वुमेन यूनियन मिनिस्टर बताइए, पहली भारत की केंद्रीय मंत्री कौन है सर, राजकुमारी करके, अमृता कौर, जी, तो नाम है इनका राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, जी हाँ, याद रखिएगा ये पहली भारत की महिला मिनिस्टर बनी हुई है, और अगर आपको याद हो तो इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, शायद इसके लिए जिंदगी भर इनको याद किया जाएगा, आपने सुना है इसका नाम, एम्स का नाम सुना है, एम्स का, एम्स को देने वाली, एम्स को भारत की तरफ देने वाली जो महिला है वो यही थी, ठीक है, क्योंकि पहली यूनियन हेल्थ मिनिस्टर रही है, इन्होंने ही एम्स को बनवाया था, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे, ओके, बढ़े आगे, एम्स का फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंसेज, ठीक है, पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी,
यूपी की श्रीमती सुचेता कृपलानी यूपी सुचेता कृपलानी ठीक है। तो मतलब ये पूछा जा रहा है कि इंडियन स्टेट किसी भी इंडियन स्टेट की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी, तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीमती सुचेता कृपलानी देख लीजिए और ये सौभाग्य उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है ठीक है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी ये। और अगर आप इनके टेन्योर की बात करें तो ज्यादा नहीं, बस ये चार साल ही अपना टेन्योर कंप्लीट कर पाई थी। 1963 से लेकर 1967 का जो टेन्योर है इनका वो उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने निर्वाहित किया ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपको। चलिए अब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से हम लोग आगे देखेंगे बाद में नेक्स्ट वाले सेशन में। एक बार एक काम करते हैं जल्दी से फटाफट पूरा एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं जो स्टार्टिंग से हमने छोड़े हैं बहुत सारे, देख रहे हैं कितने सारे हैं आप, देखो बहुत सारे हैं और इवन अभी कई सारे तो मैंने इंक्लूड भी नहीं करे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से क्विक। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ठीक है, मैंने आपको इसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन भी बताई है अभी। चलिए जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है उसकी पहली महिला कुलपति कौन बनी है, वाइस चांसलर नेक्स्ट गणतंत्र दिवस पे जो टीममेट्स थे अपने मेल टीममेट्स उनके साथ जो बाइक पे एक स्टंट करा था तो वो करने वाली पहली भारतीय महिला कैप्टन शिखा सुरभि। जी हाँ कैप्टन शिखा सुरभि। चलिए आगे चलते हैं आईसीसी की मैच रेफरी के फॉर्म में बनने वाली पहली महिला, पहले जो मैच रेफरी बनी है आईसीसी की तरफ से लक्ष्मी। यूथ ओलंपिक्स जो हुए थे ठीक है उसमें भारतीय निशानेबाज की यहाँ पे बात हो रही है तो जिसने एक गोल्ड मेडल जीता यूथ ओलंपिक्स में तो आपको याद है मनु भाकर जी हाँ, कब खेले गए थे ये यूथ ओलंपिक्स, कब हुए थे 2018 में। 2018 के जो यूथ ओलंपिक्स थे उनमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था जो कि कहाँ पर हुए थे ब्यूनस आयर्स में ठीक है, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स में। चलिए आईएमएफ की पहली महिला जो अर्थशास्त्री बनी है यानी कि चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफिसर ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा गया 2018-19 से जितने एग्जाम्स हुए थे लगभग एग्जाम्स में ये नाम था गीता गोपीनाथन ठीक है। चलिए भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। मैंने आपको बताया 1966 से लेके 67 तक, फिर 1980 से लेके 1984 में टिल डेथ 31st of October ठीक है, सतवंत सिंह और बेन सिंह इन्होंने डेथ करी थी इनकी। चलिए भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी जी किरण बेदी और ये गवर्नर है समय कहाँ की पुडुचेरी की ठीक है, और पुडुचेरी नाम कब चेंज हुआ था 2006 में पौंडीचेरी का नाम चेंज करके पुडुचेरी कर दिया गया था 2006 में। चलिए भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला जी भारत रत्न वाली पहली भारतीय महिला क्या नाम था जी इंदिरा गांधी जी ठीक है, इन्हीं को मिला था। और WTA जो कि वर्ल्ड जो टेनिस एसोसिएशन है उसका खिताब जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला क्या नाम हो जाएगा सानिया मिर्जा। चलिए एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जो कि कम उम्र की होंगी लड़की होंगी तो 13 साल की थी, इनका नाम है मालवत पूर्णा 25 मई 2014। चलिए जल्दी से एंड करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला आशा पूर्णा ठीक है। मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला सुष्मिता से 1994। उसके बाद आते हैं 1956 में जो इंडियन एयरलाइंस में पहली कॉमर्शियल पायलट जो बनी है ठीक है, उनका नाम क्या था दुर्गा बैनर्जी। मैंने आपको अच्छे से बताया कि कॉमर्शियल पायलट क्या होता है ठीक है। और पहली बार किसी भी इंडियन प्लेन को एयरक्राफ्ट को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला तो वो थी सम्राट कराल ठीक है, ये भी अभी हमने बात करी। एशियन गेम्स जो हुए थे एशियन गेम्स में जो गोल्ड मेडल जीता गया है वो किसने जीता वो बताइए जल्दी से, कमलजीत संधू जो 1970 वाले हुए थे उसकी बात हो रही है ठीक है, तो कमलजीत सिंह संधू बैंकॉक में। पहली भारतीय महिला जिन्होंने बुकर प्राइज जीता है मैन बुकर प्राइज अरुंधति रॉय ठीक है, इनका नॉवेल का नाम क्या था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला कोलंबिया 2003 में जो इनका स्पेस शटल था नीचे आते आते लैंडिंग में इनकी डेथ हुई थी, चलिए क्रैश हुआ था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला देविका रानी कब मिला है 1959 में
सॉरी 69 में, चलिए मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला मिस वर्ल्ड रीता फारिया, ठीक है मिस वर्ल्ड बनी रीता फारिया। पहली महिला जवान शांति दिग्गा, ठीक है शांति दिग्गा जी हाँ शांति दिग्गा। चलिए माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बचेंद्री पाल, बचेंद्री पाल 1984 में, ठीक है जी हाँ। आगे माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला, लेकिन ये ध्यान रखिएगा दो बार, ट्वाइस की बात हो रही है, देखिए दो बार, ठीक है। तो नाम क्या है संतोष यादव, ठीक है 1993 में इन्होंने ये काम करा था। चलिए आगे नोबेल पुरस्कार से नवाजत पहली भारतीय महिला सम्मानित बताइए, मदर टेरेसा मिला था 1974। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट। अंग्रेजी चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती शाह, 1959। संयुक्त राष्ट्र में पहली बार भारतीय महिला राजदूत विजयलक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू की विजयलक्ष्मी पंडित जी हाँ 1953 में ये यूनेस्को की जनरल असेंबली में अध्यक्ष बनी थी। चलिए अशोक चक्र पाने वाली पहली भारतीय महिला नीरजा, ये इनकी जो डेथ हुई है वो कब हुई है 2003 जी 2000, और ये जो नहीं एक मिनट 2003 नहीं 1986 में, 2003 कहां से आ गया, 1986 में इनकी डेथ हुई है, ठीक है याद रखो। ये जो एयरलाइन थी 1986 में गई थी कराची से। अभी जो फिलहाल हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि इस एयरक्राफ्ट का नाम क्या था, तो याद रखिएगा इस एयरलाइंस का नाम था 73, ठीक है कराची से जो जा रही थी फ्लाइट 73। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज मुस्लिम या फिर नॉर्मल महिला जज, जी हाँ। आगे आईएनसी इंटरनेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू कब बनी है 1925 में कानपुर अधिवेशन में। आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, एनी बेसेंट कौन सा वाला 1917 वाला 1917 जी। उसके बाद पहली भारतीय महिला केंद्रीय मंत्री हैं राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है जी हाँ एम्स इन्हीं की देन है याद रखिएगा। पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला 1963 से 1967 के बीच में, ठीक है। चलिए अब एक चीज मेरी ध्यान से सुनिए, ये लेक्चर आपका रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है, और ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, अगर किसी ने क्वेश्चंस नोट नहीं करें तो वहां से कर लीजिएगा, ठीक है गेटिंग ओके सर, ओके शुड आई एंड द मीटिंग, ओके सर थैंक यू सर, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा सेशन, हां जी सर अच्छा लगा। चलिए थैंक यू, ऐसे ये जो फीमेल्स अभी कंप्लीट नहीं हुए, अभी बहुत फीमेल्स बची हैं, अराउंड 50 प्लस फीमेल्स अभी बची हुई हैं, ठीक है तो वो भी देखेंगे और उसके बाद फिर करेंगे मेल्स, ठीक है फर्स्ट मेल्स भी करेंगे, डोंट वरी। चलिए थैंक यू, गुड लक, ओके सर थैंक यू सर, थैंक यू सर।